हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारे कुनकुरी ब्लॉक। हाँ, जो कुनकुरी ब्लॉक एरिया में नारायणपुर भी आता है। तो आज मैं आप लोगों को कुनकुरी बाज़ार दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने नारायणपुर बाज़ार का वीडियो बनाया था और खिराडी बाज़ार का भी वीडियो बनाया था, जिस पर आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला। उसके बाद ही मैं आज नारायणपुर नहीं, कुनकुरी का बाज़ार डाड़ का बाज़ार डाँड ही कहते हैं ना, तो मार्केट का एक सीन दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ भीड़ लगती है, कितना क्राउड होता है, उसे दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ दूसरे चौक के पास से गुजरने के बाद ये देखिए शाम का नज़ारा है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, क्योंकि सूरज की जो लाल लाल रोशनी है ना, वो किनारे तरफ से पड़ रही है। मतलब कितना सुंदर लैंडस्केप आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम दाएं तरफ कट जाएंगे, क्योंकि बाज़ार जाने के लिए दाएं तरफ कटना पड़ता है इस तरफ से, क्योंकि सीधा चले जाएंगे तब हमें कहीं और रास्ता मिल जाएगा। वहाँ तो मैं भी नहीं गया हूँ, आप लोग गए हों। अगर आगे क्या है, कौन सा गांव पड़ता है, गांव या फिर शहर पड़ता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसी के जस्ट आगे बाज़ार लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग जब भी आएंगे तो अपने सामानों का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ चोरियाँ भी होती हैं। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है, लोग आ जा रहे हैं सामान का खरीदी बिक्री कर लेने के बाद। और जस्ट यहाँ के सामने है बाज़ार डाँड। इस मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक जाम होने की समस्या भी हो जाती है। जाम में फंसे हुए हैं हम और मेरा इधर ब्लॉगिंग, दोनों के दोनों चालू है। तो चलिए, जस्ट यहाँ पे इससे बाज़ार शुरू हो जाता है। यहाँ पे कपड़ों की दुकानें किनारे किनारे में लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। लोग इधर से बड़ी आश्चर्य से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कौन ब्लॉग बनाने आ गया है। और रोड के जस्ट दाएं साइड जाने पर इधर से पूरा का पूरा सब्ज़ी मंडी और मार्केट में जो चीज़ भी होता है इधर आप लोगों को मिल जाएगा। ये है यहाँ का जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर के बगल में ही यहाँ पर मार्केट लगता है, जो कि नारायणपुर में भी मार्केट के जस्ट बाहर ही जगन्नाथ मंदिर लगा हुआ है। और ये यहाँ का देखो गुपचुप ठेला लगा हुआ है, आप लोगों को गुपचुप खाना होगा तो यहीं से खा सकते हैं। बाकी मैं तो कभी खाया नहीं हूँ, आप लोगों को यहाँ का, अगर आप लोग यहाँ का खाए होंगे तो बताना कमेंट करके कि किस तरह से लगता है। बाकी अभी शाम हो रहा है और हम लोग मार्केट से जा चुके हैं। तो गाइस, आई होप कि जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सामने आप लोगों को दारू भट्टी दिख रहा होगा, दारू भट्टी बोले तो यहाँ पर देसी शराब बिकता है, सरकारी दुकान है ये। तो अगर इसका वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।